तस्वीर आई हो, मेरे को छोड़ रहे हैं, आप समझ सकते हो, पढ़ सकते क्या लिखा है। तो जुनून भी खत्म हो जाएगा और राज कॉमिक्स भी। हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों कॉमिक्स न्यूज अड्डा में। और आज की न्यूज है भड़के हुए फैंस। जमन देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। ये हाल हो रहा आरसी के फैन का। ओ भाई मारो मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। ये हाल है दोस्तों राज कॉमिक्स के फैन का। तो क्या हम कह सकते हैं क्या राज कॉमिक्स का हाल भी मनोज कॉमिक्स और तुलसी कॉमिक्स जैसा ही होगा? क्या संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता लाएंगे सस्ती कॉमिक्स? क्या मनीष गुप्ता सच में झूठे हैं या फिर उनके वादे सच हैं? जी हाँ, आज जानेंगे दोस्तों पाठकों के आग उगलते हुए विचार, जो कहीं हद तक अच्छे भी हैं तो कहीं हद तक ज्यादा ही बुरे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मुझे काम करने और ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा क्या हुआ कि केनमा जी को कहना पड़ रहा है कोई एक भाई सर्वनायक पूरी करवा दो, फिर जो चाहे मर्जी करना, मेरी तरफ से तो बाय बाय हो जाएगा। यानी राज कॉमिक्स के फैंस कारण और आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ शास्त्र जी कहते हैं लोग इसलिए गाली नहीं दे रहे कि इन तीनों भाइयों से नफरत है, वो इसलिए कह रहे हैं कि कॉमिक्स है मेरा जुनून के आड़ में लोगों को सरेआम लूट मचा रखी है। 32 पेज की कॉमिक्स आजकल ढेरों आ रही है, नई नई जितनी भी 25 पेज की आ रही है, और 200 रुपए मूल्य रखा उन सभी का। और अगर कुछ बोलने जाओ तो इनके चाटुदार, लेना है तो लो, औकात नहीं खरीदने की, इत्यादि जैसे तंज मार के तीनों भाइयों को डिफेंड करते। उन्होंने एक किस्सा भी शेयर किया जो उनके साथ घटा है कि 2-3 दिन पहले उन्होंने उमा कार्ड से राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश तीनों चारों जो कि मल्टी स्टार विशेषांक वाली कॉमिक्स है, बट पेज नंबर 80 के बाद पेज नंबर 49, पेज नंबर 64 दोबारा से प्रिंट हो गया, यानी कि डबल प्रिंट हो गए अंदर ही अंदर दोस्तों। अब 180 रुपए में अगर कॉमिक्स बेच रहे हैं पर क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो भला हो उमा कार्ड के सेलर भाई अजय जी का कि उन्होंने आश्वस्त किया कि रिफंड कर देंगे और उमा कार्ड में मेरे दूसरे ऑर्डर के साथ एक और राजनगरी तबाही भेज देंगे दोस्तों। तो मिस प्रिंट भी चली जा रही है दोस्तों, इसी प्रकार से नाराज। और उन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया सी बात कही, मार्च 2021 से लेकर आज तक 10,000 से 12,000 की कॉमिक्स खरीद चुका हूं। कभी इन तीनों भाइयों को ये ख्याल आया कि भाई एक रेगुलर कस्टमर हर महीने 1500-2000 रुपए के कॉमिक्स खरीद रहा है, चलो इसको कभी 500 रुपए का मुफ्त वाउचर दे या 500 रुपए की कोई पुरानी कॉमिक्स इसे गिफ्ट दूं। नहीं, आप किसी पान वाले, ठेले वाले और ग्रोसरी स्टोर से भी रेगुलर कस्टमर बनने पर कुछ खरीदेंगे तो वहां भी आपको कुछ न कुछ तो छोटा मोटा गिफ्ट दे देंगे ही। ये तीनों भाइयों में उतना तक भी नहीं कर सकता, तो ये बात भी बिल्कुल मैं एक सपोर्ट करूंगा। और उन्होंने आगे भी कहा कि नागराज नॉवेल्टी के नाम पर जो स्टिकर और कुछ देते हैं, 3 गुना दाम जोड़ के कॉमिक्स की प्राइस बढ़ा रही है। अगर यकीन नहीं हो तो उन्होंने ये भी कहा कि गूगल पे सिर्फ हिंदू क्वीन या हिंदू इंडियन क्वीन टाइप करके इमेज सर्च कर, सबसे पहली जो तस्वीर आई वो मेरी बनाई हुई पेंटिंग है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नागराज नॉवेल्टी की क्वालिटी के बारे में जिक्र करता हूं दोस्तों। वहीं शिवेंद्र जी कहते हैं कि गाली देने के अलावा और कुछ भी कहिए इन लालची बंधुओं को, इनकी लूट ही इनको गाली रही है, फैंस को तो आप समझ सकते हो, पढ़ सकते क्या लिखा है, समझ लिया है इन सभी ने। वहीं सिद्दीकी जी कहते हैं कि भैया चलो लेट हो जाता, एक बात मान लेते हैं, पहले बाल चित्र ऑर्डर किया हुआ अभी तक नहीं आया, चलो हो जाता लेट, हो जाता लेट, सब्र कर लेते हैं आदमी, लेकिन उसकी आप पढ़ सकते हैं कितने भड़के हुए हैं। जलानी हर दिन प्री ऑर्डर लेके, जब आपके बस पिछला ऑर्डर भेजना नहीं है, इसके बाद 10 ऑर्डर क्यों ले रहे हो, पहले वो तो भेज दो। ये बात भी सही यार, ऑर्डर पर ऑर्डर प्री ऑर्डर चल रहे हैं बट पुराने ही ऑर्डर नहीं निकल पा रहे हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख। इसी बीच कुछ मजेदार कमेंट भी है, रोजाना बैठक यानी कि मस्त पेलम पेल कॉमिक्स रिप्रिंट की जा रही है, 3600 कॉमिक्स देकर ये लोग चारों धाम की यात्रा पर निकल जाएंगे। वहीं प्रशांत जी ने जलेबे नमक छिड़कते हुए कहा है कि मैं तो इधर कमेंट पढ़ने आया हूं बस। वहीं एक बहुत ही प्यारी सी पोस्ट है जो मुझे काफी अच्छी लगी कि एक बात हमेशा याद रखना, राज कॉमिक्स को भी हमने बनाया है, यानी कि पाठकों ने बनाया है। ये वो बात हो गई है कि पहले हमने नशा दिया, नशे की आदत बनाया, अब अपनी शर्तों पे उसका फायदा उठा रहे हैं। देख लो मनोज कॉमिक्स तुलसी कॉमिक्स का क्या हाल हुआ, अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये बात सच है यार, फैन फॉलोइंग ना होने से अस्तित्व खत्म हो गए उन सारी कॉमिक्स से जितनी भी थी। राज कॉमिक्स वजूद में है, वो भी इंटरनेट के दौर में, तो हम पाठकों की वजह से ही है, हमारा एहसान हमेशा मानना चाहिए, हमारी वजह से रोजी रोटी मिल रही है उनको। अगर हमारा ख्याल नहीं तो जुनून भी खत्म हो जाएगा और राज कॉमिक्स भी।
इस बात को मैं भी एग्री करूंगा कि बिना फैंस के दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती, भले वो कोई सी भी कॉमिक्स इंडस्ट्री हो या एनिमेशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं मार्वल डीसी को दोस्तों, बिना फैंस से डीसी आज भी ग्रो पे नहीं है। मार्वल ही इतना ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइडली ग्रो कर रहा, इतना ज्यादा राइसफुल ग्रो कर रहा, क्योंकि कॉमिक्स से लेकर हर चीज में वो अपडेट रहता है। और उसके बाद डीसी भी दोस्तों हमेशा की तरह, बट वो फैंस से इतना जुड़ा हुआ नहीं है। वहीं दोस्तों मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स जैसी बड़ी बड़ी कॉमिक्स बंद हो चुकी है, जो कि राज कॉमिक्स से पहले शुरुआत हुई थी दोस्तों। उनकी रीजन वही था, फैन फॉलोइंग, साथ में दोस्तों कॉमिक्स की कीमतें। और वहीं राज कॉमिक्स भी दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों इतना ज्यादा अगर लोगों का गुस्सा फूट रहा है तो कहीं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा। तो मैं बिल्कुल यही आशा करता हूँ यार, जल्द जल्द ये तीनों भाई मिलके कुछ न कुछ ऐसा करें जिससे सारे फैंस उनकी जो नाराजगी वो दूर हो और जल्द कुछ अच्छा अपडेट सुनने को मिले यार। तो दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और साथ में दोस्तों आपकी क्या विचार हैं इस कॉमिक्स के बढ़ते हुए दामों पे और गुस्सा आए हुए फैंस का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।